लोग आज नया चैप्टर शुरू करेंगे इसका, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। ध्यान से लोग क्या होता है काइनेमेटिक्स, व्हाट डू मीन बाय काइनेमेटिक्स, ध्यान लोग बताते हैं। बहुत सिंपल हुआ है, काइनेमेटिक्स में काइन वर्ड एक है, दूसरा वर्ड क्या है मैट्रिक्स, है ना। काइन मीन्स क्या होता है, काइन मीन्स मोशन, काइन मीन्स क्या होता है मोशन, मैट्रिक्स मीन्स होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कौन सा कैलकुलेशन, कहोगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मतलब तुम जान लो यहां पर ये चीज कि इस चैप्टर में, मतलब इस पूरा यूनिट में तुम जितने भी मोशन के बारे में पढ़ोगे उसमें सिर्फ पढ़ोगे ये मोशन ऐसा होता है, उसका काउज क्या है उसके बारे में तुमको यहाँ नहीं पढ़ना है। व्हाट इज द काउज ऑफ मोशन, वो इस आपको टॉपिक में नहीं पढ़ना है, ठीक है। मिस काइनेमेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग मोशन का स्टडी करते हैं बट मोशन के काउज के बारे में नहीं पढ़ते, ठीक है। तो लिखो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी, इन विच वी स्टडी अबाउट, इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ, विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ देयर काउज, विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ देयर काउज। मतलब क्या इसका मतलब, मतलब कि कोई बड़ी मूव कर रहा है उसको, उसके हम लोग जितना भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगा, जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बट किस चीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसका काउज क्या, क्यों मोशन कर रहा है उसके बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है। इसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को कहते हैं कि हम लोग काइनेमेटिक्स, ठीक है। मींस इसमें हम लोग सिर्फ फिजिक्स के मोशन के बारे में पढ़ेंगे विदाउट नोइंग देयर काउज, उनके काउज के बिना सिर्फ उसके मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, ठीक है। हो गया ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मोशन कितने टाइप का होता है, मोशन कितने टाइप का होता है, मोशन सब मिला करके बेसिकली तीन टाइप का होता है। पहला हम लोग पढ़े हैं मोशन इन वन डायमेंशन, पहला वन डायमेंशन में मोशन का होना, दूसरा होता है मोशन इन टू डायमेंशन शॉर्ट में टू डी करते हैं, और तीसरा है मोशन इन थ्री डायमेंशन शॉर्ट में थ्री डी करते हैं। मतलब मोशन तीन तरह से हो सकता है किसी बॉडी का, या तो 1D में या 2D में या 3D में। कहोगे सर 1D 2D 3D क्या है, बहुत आसान है ध्यान में से। जैसे कि मान लो अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में, एक बॉडी मान लो है, एक बॉडी कहां मूव कर रहा है सिर्फ स्ट्रेट लाइन में, इसको कहेंगे वन डायमेंशन मोशन। क्यों कहेंगे वन डायमेंशन, चूंकि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है या तो सिर्फ एक्स वेरिएबल चेंज कर रहा हो या वाई चेंज कर रहा हो जेड चेंज कर रहा हो, नहीं हर जब उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहा गया वाई एक्सिस और ये क्या हो गया जेड एक्सिस। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या आपको ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, मतलब किसी एक चीज इसका चेंज होगा वो आपका क्या कहलाएगा वन डायमेंशन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशन। जबकि टू डायमेंशन की बात करेंगे इसमें क्या है, कोई प्लेन पर लाइक मान लो कि एक कीड़ा है वो क्रॉल कर रहा है, क्रॉल मतलब होता है रेंगना, वो कीड़ा मान लो रेंग रहा है इस पर जमीन पर, जब जमीन पर मान लो जमीन ही है इस पर कीड़ा रेंगेगा, आप देखोगे इस तरह से मान लो कि कीड़ा रेंग रहा है, कीड़ा जो है रेंगते रेंगते इस तरह का शेप बनाते हैं। हम यहां क्या देखें, हम यहां देखें कि ये शेप आपका यू इस तरह से बना,
लगभग मान लो इस तरह बना, या इसको हम मान सकते हैं वो सेफ इस तरह बना, हीरा जो किस जिस रास्ते पर चला उस रास्ते का बनाया गया हो, ध्यान से मैं तुम्हें आसानी है, बोलो एक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है, एक्स चेंज कर रहा है ना, और इसका हाइट बोलो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाइट चेंज कर रहा है, हाइट चेंज करने का मतलब वाई चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ एक्स कंपोनेंट भी चेंज कर रहा है और वाई कंपोनेंट चेंज कर रहा है, एक्स वाई चेंज करे या वाई जेड चेंज करे या एक्स जेड चेंज, कोई दो चेंज करेगा तो समझना कि वो क्या है टू डायमेंशन, मतलब कोई बड़ी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, कोई बड़ी रेक्टेंगुलर पाथ पर मूव कर रहा है, कोई बड़ी स्क्वायर पर मूव कर रहा है, इन सारे टाइप के मोशन को कहते हैं हम लोग टू डायमेंशन मोशन, ठीक है, जो किसी प्लेन पर होगा, सतह पर होगा, सरफेस पर होगा, सरफेस नहीं इस पर होगा टू डायमेंशन हो गया। लेकिन अगर मान लो कि कोई बॉल है, कोई बॉल को आपने स्पेस में फेंक दिया, बॉल को मान लो हम इस तरह स्पेस में फेंक दिए, ध्यान देना क्या बोलना चाह रहा है, बॉल को अगर आप स्पेस में फेंक दिए हैं तो इसमें तीन चीज चेंज करेगा, बॉल को तुमने अगर स्पेस में इस तरह से फेंक दिया, इसका एक्स चेंज कर रहा है, वाई भी चेंज कर रहा है, हाइट ऊंचाई भी चेंज कर रहा है, तीनों चेंज कर रहा है, बॉल स्पेस में फैल जाएगा मान लो, तो बॉल को अगर तुम स्पेस में थ्रो कर दोगे इसका एक्स कंपोनेंट चेंज करेगा, वाई कंपोनेंट चेंज करेगा, हाइट ही बढ़ रहा है, हाइट बढ़ने का मतलब जेड बढ़ रहा है, क्या बॉल अगर स्पेस में जाएगा ऐसे फेंक दी बॉल को, ऐसे फेंक दिया ना, एक्स भी बढ़ रहा है और ऐसे पहुंच रहा है ना, और ऐसे पर हम तो एक्स बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है, बॉल ऐसे बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है ना, बॉल उड़ भी रहा है ना, जेड भी बढ़ रहा है, इसका मतलब तीनों चेंज कर रहा है, तीनों कंपोनेंट चेंज करेगा तो उसे कहते हैं क्या हम लोग, ठीक है, अगर सिर्फ एक्स चेंज करे या सिर्फ वाई चेंज करे या सिर्फ जेड चेंज करे तो क्या होगा वन डायमेंशन। अब मैं पूछूंगा एक बॉल है वो ऐसे मूव कर रहा है, मान लो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस है, बॉल को फेंके यहां से बॉल ऐसे मूव कर रहा है, बताओ ये 1D है कि 2D है कि 3D है, ये 2D क्या लाएगा, क्योंकि तो एक्स चेंज कर रहा है, वाई एक्स बढ़ा, एक्स बढ़ गया ना, वाई बढ़ गया, एक्स और बढ़ गया, यहां बॉल यहां पहुंचा, एक्स यहां हो गया ना, वाई कहां हो गया, वाई यहां और बढ़ गया, वाई एक्स भी बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, जब किसी मोशन में एक्स वाई दोनों चेंज करेगा तो 2D है, सिर्फ x चेंज करेगा 1D है, और अगर तीनों चेंज कर रहा है एक्स वाई जेड तो क्या हो गया, ये तीनों टाइप के मोशन में आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टाइप का मोशन, 3D अभी नहीं पढ़ना, ठीक है ना, शुरू करें हम लोग, देखोगे यहां पर इन काइनेमेटिक्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, इन काइनेमेटिक्स वी हैव टू डिस्कस About three kinds of motion. In kinematics, we have to discuss about three kinds of motion. In kinematics, we have to discuss about three kinds of motion. Motion के तीन kind पर बच्चों ने काम करना है। देखो पहला one dimensional motion. पहला होगा वन डायमेंशनल मोशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 1D भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। दूसरा है फिर टू डायमेंशनल मोशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं 2D कहते हैं, और तीसरा और आखिरी है थ्री डायमेंशनल मोशन, इसे हम लोग क्या कहेंगे 3D कहेंगे। तीनों का एग्जाम्पल आपको नहीं दिए, कोई पंछी उड़ रहा है स्पेस में हवा में, वो 2D है कि 3D है, 3D का पंछी उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है, एक्स वाई जेड समझते हो क्या होता है, एक्स एक्सिस ये मान लो ये वाई एक्सिस है, तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई जेड, ठीक है, दीवार मान लो दीवार के लाइन यहां से एक्स हो गया, ये जो लाइन यहां से वाई हो गया, ये जो ऊपर गया वो क्या हो गया जेड, ठीक है, अब ये जरूरी जेड हमेशा ही होगा, जेड इसको एक्स मान सकते हो, ये वाई और ये जेड भी सही है, तीनों में किसी को एक्स वाई जेड मान सकते हो,
और दीवार है, दीवार का एक कॉर्नर, दीवार का एक कॉर्नर है, ये एक्स हो गया, ये वाई, ये क्या जेड हो गया, ये एक्स ये वाई जेड हो गई, इस तीनों में कोई भी एक्स वाई जेड हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, 1D 2D 3D क्या होता है पढ़ना, किसके बारे में हमको ऐसे 1D और 2D के बारे में, 3D के बारे में बाबू नहीं पढ़ना है, फिर भी कुछ क्वेश्चंस इसका मिलेगा आपको, बनेगा वो। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वन डायमेंशनल मोशन में हमने हम लोग को किन किन चीज के बारे में पढ़ना है, वन डायमेंशनल काम पहले करेंगे उसके बाद 2D 3D पाएंगे। वन डायमेंशनल मोशन में हमें पढ़ना है कुछ टर्म्स, देखो टर्म्स रिलेटेड टू वन डायमेंशनल मोशन या मोशन इन स्टेट टाइम करते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू वन डायमेंशनल मोशन या और कर लिखोगे टर्म्स रिलेटेड टू वन डायमेंशनल मोशन और करते मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, टर्म्स रिलेटेड टू वन डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या क्या आएगा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्टेंस, DIST, डिस्टेंस को शॉर्ट में DIST करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, DIS, फिर डिस्कस करेंगे स्पीड, फिर क्या आएगा वेलोसिटी, और फिर क्या आएगा एक्सीलरेशन, और एक और आता है जिसको हम लोग जड़ भी कहते हैं या फिर मैटर में। ये सारा टर्म वन डायमेंशन में हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे, जिसमें आपको हमको लगता है यहां से यहां तक तो आप लोग पढ़ेगा, सिर्फ ये पढ़ेगा नहीं, क्या नाइन्थ में सब तो है पढ़े ना, फिर ये सब बार फिर से फास्ट फूड बैच करवा रहे हैं। वन डायमेंशन में ये सारा टर्म हम उसको पढ़ना पहले, ये सारे को खत्म करेंगे तब आएंगे टू डायमेंशन पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इससे बहुत कुछ भाव मिलेगा आपको, आसान लगेगा कुछ शुरू में आसान लगेगा, बाद में आसान लगेगा, सही बात है। तो क्या मिलता है शुरू रहेगा सर, नाइन्थ में पढ़ते पढ़े थे, उसके बाद थोड़ा डेल्टा आएगा बीटा आएगा तो सही आएगा क्या होता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में टेंथ में नाइन्थ में पढ़े थे हम लोग, मान लो एक बड़ी है ए, एक जगह है बी, एक आदमी को ए से बी जाना है, ए को हम लोग कौन सा पॉइंट कहेंगे, ए को इनिशियल पॉइंट कहेंगे, जाना यहां से कहां तक जाना है बी तक, बी को कौन पॉइंट कहेंगे फाइनल पॉइंट। एक आदमी सीधा ए से बी चला गया स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड, दूसरा आदमी ए गया होते हुए गया पटना होते हुए पहुंचा यहां, तीसरा आदमी मुंगेर से होते हुए पटना होते हुए गया पहुंचा यहां पहुंचा तो घूम के पहुंचा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस सब पूछेगा आप डिस्टेंस यहां क्या है, ये तीनों रास्ता डिस्टेंस नहीं, ये तीनों रास्ता डिस्टेंस ये भी है, जिस पाथ के अलाउंड को गया उस पाथ की लंबाई डिस्टेंस। अब सुबह उस पाथ की लंबाई कैसे मापेंगे स्केल से, टेप से, टेप तो सीधा होता है कुछ नहीं, एक रस्सी लोगे उस रस्सी को इस रास्ते पर ऐसे ही लगा दोगे, रस्सी का दोनों इंड होगा ना, दोनों इंड को खींचोगे रस्सी फैल जाएगा, मापो स्केल कितना होगा नहीं, रास्ता कैसा भी कर लो रस्सी लीजिए, रस्सी का रस्सी को इसी रास्ते पर ओवरलैप कर दीजिए, जैसे जैसे तुमने चला वैसे वैसे रस्सी बिछा दी, रस्सी का दोनों इंच पकड़े फैला दी, फिर फैलेगा फिर ना यहाँ जहाँ पर बिगड़ा फैल गया नाप लेगा स्केल में कितना असर आएगा उसका डिस्टेंस, वही डिस्टेंस यहाँ भी पकड़ लेगा सर, यहाँ तो स्केल काम ऐड कर देगा, इसका मतलब ये तीनों यहाँ डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, बट सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड व्हाट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट डिस्प्लेसमेंट। और एक्चुअल पाथ जो है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड व्हाट डिस्टेंस, जो एक्चुअल में जितना पाथ कवर किया जाए किसी बॉडी के द्वारा वो डिस्टेंस है, और जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा सबसे शॉर्ट कौन होगा, ये होगा
ए से बी तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता यही है ना, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्ट में DISP, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को शॉर्ट में DIST लिखो। हमारे ख्याल से आप लोग यहां तक सीख गए होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या क्या होते हैं। चलिए उसके बाद फिर ध्यान देना। अब मान लिया जाए कोई आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट का कुछ न्यूमेरिकल्स, उसको आप लोग पढ़े भी हैं क्लास 9 में, लेकिन सब भूल गए होंगे, फिर भी याद हो। इस दोनों के बारे में कुछ कुछ पता है कि नहीं आप लोगों को? डिस्टेंस को दिखाते किससे हैं, एस से, डिस्प्लेसमेंट को एस के ऊपर एरो, इसका एस आई यूनिट क्या होता है मीटर, इसका भी क्या होता है मीटर, है ना। अरे ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, और ये क्या है, ये स्केलर है, ठीक है, ये सब कौन चीज है इसको आपको जाना है। चलो क्वेश्चन रहेगा डिस्टेंस पर, क्वेश्चन कुछ रहेगा डिस्टेंस पर मापना, डिस्प्लेसमेंट पर क्वेश्चन कुछ कुछ है जिसको हम लोग फास्ट में काम करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना बात है। एक आदमी क्या किया, ए पॉइंट से प्रारंभ किया, बी तक गया, ए से बी की दूरी मान लो 10 मीटर है, बी से लौट करके वो सपोज करो सी पर आ गया 3 मीटर, तो निकालना यहाँ आपको है डिस्प्लेसमेंट क्या है पहला क्वेश्चन, ये बन जाएगा क्वेश्चन निकालना है। दूसरा है कि एक सर्कुलर पाथ में ऐसे बड़ी मूव किया, ये मान लो ओ है, ये इसका रेडियस है, बड़ी ए पॉइंट से मूव किया और यहां तक पहुंचा बी तक, ए इनिशियल आई हो गया, बी फाइनल को एफ कर दी, बताओ यहां पर डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये क्वेश्चन है, ए वन है आपका क्वेश्चन। तीसरा है कि अगर मान लो कि सर्कुलर पाथ क्वाड्रेंट के रूप में इस तरह से यहां से चला यहां पहुंचा, इसको ज्वाइन किए, ये ओरिजिन है, सेंटर है सर्कल का, ये रेडियस यहां पर है, चला ए से, ए आई इनिशियल हो गया, बी क्या हो गया फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये क्वेश्चन क्यों। उसके बाद तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन है, मान लिया जाए कि एक आदमी है ए पॉइंट से चला बी पॉइंट तक इस तरह से, ये सर्कल का सेंटर है, इसको ज्वाइन किए, इसको ज्वाइन किए, चला ए से बी, ए इनिशियल, बी क्या हो गया फाइनल, यहां पर मान लो एंगल बना आपका 150 डिग्री, 150 डिग्री का मान निकालने में तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा। यहां लेते हैं हम लोग यहां पर अगर हम एंगल लेंगे 120 कट जाएगा, तो निकालना आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रेडियस आर, ये सारे क्वेश्चन हमारे साथ। सभी ध्यान दोगे तो मजा आ रहा है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग दिए हैं उसमें आओ निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तुमने चलना प्रारंभ कहां से किया, ए से, पहले कहां गया बी पे गया, फिर लौट कर कहां आया सी पर, इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ए और सी को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा है वो इसी है ना, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन को ही कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ए से सी को ज्वाइन किया कौन है, टर्न के एसी, एसी से टू डिस्प्लेसमेंट, तो एसी कितना होगा सिंपल, ये पूरा कितना है 10, ये कितना है 3, ये कितना होगा 10 से 3 लिया 7, आंसर हो गया 7 मीटर, ठीक है। सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड में भी निकालना है डिस्प्लेसमेंट, चलना प्रारंभ ए से किया, एरो मीन्स दिखा रहा है ये कहां जा रहा है, कहां तक गया बी तक गया, ये रेडियस इसका, ये क्या है रेडियस, ए से बी गया बस ऐसे ही,
तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा। ए से बी को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन गया, डायमीटर बन गया, बन गया डायमीटर मतलब आर प्लस आर कितना हो गया टू बार। तो इसका सेकंड नंबर का आंसर हो गया डिस्प्लेसमेंट यहां पर होगा ए बी, जिसकी लंबाई कितनी होगी आर प्लस आर, ये बन गया। इसमें आप लोग भी फंस सकते हैं कैसे, देखिए ध्यान से, ए से बी गया, ए से बी गया वैसे इनिशियल को फाइनल में ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कौन है, लाइन सेगमेंट ये होगा ना, वो ये क्या है, एक सर्किल को चार इक्वल रंग बांटेंगे तो उसके हर एक भाग को क्या कहें, क्वाड्रेंट कहेंगे। ये पूरा सेंटर से बनता है 360 डिग्री, यहां पर क्या बनेगा एंटी बनेगा, मीन्स 90 होगा, ये मिट जाएगा, ये मिट जाएगा, ये भी मिट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा। पहली बात तो यहां एंटी होगा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस होगा ना, ये भी आप डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट थर्ड वाले क्वेश्चन में कहोगे सर इस फिगर में डिस्प्लेसमेंट आपके पास ए भी है नहीं है, और ए बी को निश्चित रूप से कहोगे स्क्वायर रूट ऑफ, ये हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या पड़े परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मींस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर कितना होगा अंडर रूट टू आर स्क्वायर, मीन्स कितना रूट टू इन टू आर, नहीं हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था, वो ही बन गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सीखना पड़ेगा, ये भी आसान है, क्लास टेंथ का एक कंसेप्ट यूज करेंगे इसका। यहां पर ये क्वाड्रेंट नहीं है, क्वाड्रेंट ड्रा था 90 बनता था या 120, सर्किल का एक छोटा सा सेक्टर है ये, इनिशियल चला है इस ए से कहां पहुंचा बी पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ए बी हो गया कि नहीं, ए बी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, देखिए यहां बहुत सिंपल सा बहुत सही है, सब ध्यान सुन लो पहले, एक सर्कल आपके पास दिया गया है, सर्कल का ये सेंटर दिया गया है, सर्कल का ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसे हम लोग कोण कहेंगे, ये आपका क्या कहलाता है, इसको थीटा मॉडल कर दी, लेंथ ऑफ कोण, कोण की लंबाई, कोई आपसे पूछे क्या होगा, एल सेक्टर का एरिया पढ़े थे हम लोग पाई स्क्वायर थीटा बाय 360, लेंथ ऑफ आर्क पढ़े थे 2π r थीटा बाय 360, बट लेंथ ऑफ कोण वहां नहीं पढ़े थे, लेंथ ऑफ कोण भी हम प्रूफ किए थे, आपको शायद याद नहीं है, लेंथ ऑफ कोण कोण है एबी, एबी कोण की लंबाई होगी जानते हो कितना 2r sin थीटा बाय 2, क्या होता है 2r sin थीटा बाय, ठीक है तो प्रूफ हम किए हैं, प्रूफ क्या करेंगे 2r sin थीटा बाय 2 का होता है लेंथ ऑफ कोण, इस कोण के द्वारा सेंटर पर आएंगे कितना बड़ा एंगल थीटा बड़ा, तो बोलिए यहां पर कोण कौन है, कोण ए भी है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ए बी के इक्वल, ए बी क्या कहेंगे 2r sin थीटा बाय 2 को 2 छोड़े r को r छोड़े r खाली दिया ना, sin थीटा का मान कितना 120 है, 120 बाय 2 कितना होगा 7, sin 60, बोलो sin 60 का मान क्या पड़े है, sin 60 का मान मैथ में आप लोग पढ़े होंगे √3/2, यहां से 2 और 2 बच्चों कट गया, और से क्या बचा √3 × 0, ठीक है, लेंथ ऑफ कोण का ये फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है क्योंकि प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ भी कर रहे हैं, प्रूफ भी इसका है, प्रूफ कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ याद होगा, ठीक है, तो प्रूफ करना पड़ेगा कैसा होगा, प्रूफ करेंगे तो यही पहुंचेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ कोण का फॉर्मूला होगा 2r sin थीटा बाय 2, हम प्रूफ भी कवर कर देते हैं, सिंपल प्रूफ है, नोट तक कर लोगे इसको, ठीक है, सभी ध्यान दोगे कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ काफी आसान है, कैसे बना दूंगा, हमारे पास मान लो एक सर्कल है, सर्कल का ये बात एक कोण है ए बी,
ये सेंटर है, व्हाट इज दिस, दिस इज रेडियस, रेडियस बोलिए कौन ट्रेंगल है, आइसोसेल्स ट्रेंगल है कि नहीं, क्योंकि इसका दो साइड इक्वल है ओए और ध्यान दो यहां पर यह आइसोसेल्स ट्रेंगल है। इस एंगल का मान सपोज करो थीटा है, पूरा एंगल तो सपोज करो कि ओ से हमने एक गिराया परपेंडिकुलर इस पर एबी पर, नाम क्या है ओएम है, परपेंडिकुलर जो आइसोसेल्स एंगल का सेंटर से गिरता है बेस पर वो एंगल को दो इक्वल भाग में बांटता है थीटा बाय टू थीटा बाय टू, बेस को भी इक्वल भाग में बांटता है। इसका प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑन आइसोसेल्स ट्रायंगल, यहां तक कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इन ट्रायंगल ओ ए एम, ओ एम एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में कहोगे सर साइन, इस ट्रायंगल में कहोगे सर कॉस थीटा बाय टू इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू एम जी बाय कॉस थीटा या साइन लेन कॉस सकते हैं, कॉस थीटा को कहोगे ओ एम, बेस हो गया ना, ये राइट ट्रायंगल है ये बेस है, बेस कॉस थीटा इक्वल बेस बाय हाइपोटेनस ओ एम बाय आर, ओ एम का मान क्या आ गया आर कॉस थीटा बाय, सही है। अब इसे ओएम निकाल लेते, क्या निकाल लो ओएम निकाल, बट निकालना क्या हमको है, निकालना है इसका बेस। अब यहां पर ध्यान से इस दोनों के बीच संबंध कौन देगा, साइन थीटा बाय टू इक्वल टू क्या होगा ए एम बाय कितना, साइन थीटा बाय टू इक्वल ए एम बाय आर, ए एम का मान क्या आ गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ए एम का मान क्या आ गया आर साइन थीटा बाय टू, ए एम का मान आर साइन थीटा बाय टू निकालना ए बी है ना, इन कोड है ए बी को क्या ए एम का डबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ए एम जहां था वहां क्या पुट कर देंगे, जहां ए एम था वहां पुट करेंगे आर साइन थीटा बाय टू, अरे दो को दो छोड़ दीजिए, जहां ए एम का वहां क्या पुट किए आर साइन थीटा बाय टू हो गया, कुछ ठीक है, इसकी आपको जरूरत नहीं, काट दोगे साइंस में जाएंगे, ठीक है। ये प्रूफ तुमको नहीं पढ़ना है, बस समझा दिए कैसे आया तो पूछे।